नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो चार का चक्रव्यूह में। चार के चक्रव्यूह में आज एक बात बहुत ही गंभीर मुद्दे पर हो रही है। दरअसल हमारे देश में अगर कोई इंसान एक धर्म के लिए अपनी आवाज उठाए तो उसकी आवाज दबाने वाले बहुत सारे लोग उसके आसपास खड़े हो जाते हैं। अगर अपने धर्म को लेकर लोगों को जागरूक करे तो उसके लिए खतरा चारों ओर मंडराने लगता है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि प्रशासन की तरफ से उसकी रक्षा के लिए सुरक्षा दी जाती है। काफी हद तक आप शायद समझ चुके होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आज चार के चक्रव्यूह में बात सब होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी डासना मंदिर के बारे में। जी हाँ, दरअसल अपने धर्म के लिए आवाज उठाने वालों को अक्सर दबा ही दिया जाता है, या फिर सुरक्षा देने के बाद भी क्यों वो सुरक्षित नहीं रह पाते, ये सवाल सबसे अहम है। दरअसल दिल्ली से सटे गाजियाबाद में डासना मंदिर बीते कुछ महीने पहले एक आसिफ नाम के बच्चे को लेकर काफी सुर्खियों में आया था। जी हाँ, तब पानी पीने के लिए गए मंदिर में बच्चे को लेकर काफी विवाद हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से वही डासना मंदिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल आज डासना मंदिर में आज बड़ी घटना सामने आई है। मंदिर परिसर में सो रहे पुजारी पर रात के अंधेरे में जानलेवा हमला किया गया है। दरअसल बिहार के रहने वाले नरेश आनंद सरस्वती पर चाकुओं से हमला किया गया और उनकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें, जिस समय नरेश आनंद पर यह जानलेवा हमला हुआ उस समय मंदिर के महंत नरसिंह आनंद सरस्वती भी कमरे में ही उनके साथ सो रहे थे। हालांकि पुलिस हमलावरों की तलाश के लिए मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। वहीं नरेश आनंद पर हुए इस जानलेवा हमले की जांच में जुटी पुलिस अब जुट गई है, साथ ही दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि डासना देवी मंदिर के महंत अक्सर अपने बेबाक बयानबाजी की वजह से आतंकियों के अक्सर निशाने पर रहते हैं, और जानकारी के मुताबिक मंदिर परिसर में सो रहे जिन दो साधुओं पर हमला हुआ उनमें से एक का नाम नरेश आनंद स्वामी है और वो बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि नरेश आनंद स्वामी समेत अन्य साधु पर मंगलवार सुबह 4 बजे के आसपास बदमाशों ने मंदिर परिसर में ही घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ उन पर हमला कर दिया और साधु पर सोते समय हमला हुआ। वही नरेश आनंद बिहार से कुछ दिनों के लिए मंदिर में आए हुए थे। हमलावर हमला करने के बाद वहां से फरार हो गए। आपको बता दें कि नरसिंह आनंद को कई बार जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है, जिसके बाद 24 घंटे मंदिर और पुजारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस का पहरा लगा रहता है। इसके बावजूद भी हमला होना हैरानी की बात है और यही वजह है कि साधुओं पर हमले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस घटना पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। ऐसा हुआ, रात 3:30 बजे के करीब एक नरेश आनंद नाम के महाराज हैं जो दरभंगा के हैं बिहार के, और मंदिर में उनका आना जाना रहता है, स्वामी जी के शिष्य हैं। रात वो सोए हुए थे और अचानक से किसी ने उन पर हमला बोल दिया। उनकी जो है गला रह दिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और उनका पूरा जो पेट है बिल्कुल फाड़ दिया है, जिसके पेट के ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। उन्हें वहाँ से ला के हमने यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती करा है। पुलिस की कार्रवाई तो ये है कि पुलिस गेट में भी रहती है रात में थाने की, और अंदर गार्ड डिप्लॉय है। महाराज जी को जब वार हुआ तो वो सीधे गार्ड रूम की तरफ भागे, क्योंकि गार्ड रात में सो जाती है। कई बार हमने इंडिकेट भी किया है कि भाई रात में थोड़ा जागा करो, कोई सुनता है नहीं। पुलिस की कार्रवाई लचर है, इसीलिए तो आज हमला हुआ है। अगर पुलिस की शक्ति होती तो हमला कैसे हो जाता। आज रात लगभग 3:30-4 बजे की घटना है। एक नरेशानंद जी हैं जो कि डासना मंदिर में रुके हुए थे, समस्तीपुर बिहार से 7 तारीख को आए थे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने। तो वो बाहर सोए हुए थे खुले में, तभी जैसा कि बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति आया और उसने उनके ऊपर कई वार किए चाकू से। तो अभी उनकी स्थिति ठीक है, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, हॉस्पिटल में तत्काल जानकारी मिलते ही वहाँ उनका इलाज चल रहा है। तो इसमें हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं कि क्या कोई बाहर से आया था या कोई आसपास का व्यक्ति, कोई जानकार भी हो सकता है। तो सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कैमरा सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा रही है। बहुत ही जल्द जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की। हालांकि यूपी में साधुओं पर हुए हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है।
बरसा। इससे पहले भी यूपी में साधुओं पर इसी तरह के कई हमले हुए हैं। चलिए अब जरा आपको ये भी बता देते हैं कि यूपी में साधुओं पर कब कहां कौन सा हमला हुआ, आपको बता देते हैं। दरअसल 3 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर में पुजारी श्यामलाल की हत्या कर दी गई थी। वही 14 अगस्त 2018 को औरैया में भी दो साधुओं समेत एक अन्य व्यक्ति की हत्या की गई थी। वहीं 19 अगस्त 2018 को मेरठ में पुजारी और उसके सेवादार की हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद 31 अगस्त 2018 को भी पीलीभीत में पुजारी रामेश्वर दयाल की हत्या की गई थी। उसी दिन साथ में बाराबंकी में भी एक पुजारी शमशेर सिंह की हत्या कर दी गई थी। वहीं 2019 की बात करें तो 2 जून को 2019 को रायबरेली में पुजारी स्वामी प्रेमदास की हत्या की गई थी। वहीं 14 जून को 2019 में मथुरा में एक साधु की हत्या की गई थी। वहीं 2019 की ही बात करें, 1 सितंबर को हरदोई में साधु हीरा दास की हत्या की गई थी। वहीं 23 सितंबर 2019 को खापुड़ में भी एक साधु की हत्या कर दी गई थी, जबकि 23 अक्टूबर को 2019 को ही मुरादाबाद में साधु की हत्या की गई थी। वहीं 2020 की बात करें तो 18 जनवरी को चित्रकूट में महंत अर्जुन दास की हत्या की गई थी। वहीं 25 फरवरी 2020 को पीलीभीत में भी एक महंत की हत्या की गई थी। वहीं 23 जुलाई 2020 को सुल्तानपुर में एक साधु की और हत्या की गई थी और 6 सितंबर 2020 को कन्नौज में एक और साधु की हत्या की गई थी और उसी के दौरान 11 सितंबर को बिजनौर में भी एक साधु की हत्या को अंजाम दिया गया था। साथ ही 14 सितंबर को भी मेरठ में एक बार फिर से कांति प्रसाद की हत्या की गई थी। 5 अक्टूबर की बात करें तो मथुरा में एक और साधु की हत्या हुई थी। तो ये वो सारी घटनाएं थी जो सामने आ गई, लेकिन साधु पर होने वाली बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हैं जो अक्सर सामने नहीं आ पाती है। वहीं बीजेपी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुना देते हैं। गाजियाबाद की जो घटना है, देवी मंदिर की घटना आज संज्ञान में आई है, इस पर दो साधु पर जानलेवा हमला हुआ है, वो बड़ा निंदनीय है और इस बात की जांच की जाएगी कि ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं, इससे दंगा फैलाया जा सकता है। इन सब को रोकने के लिए इन घटनाओं पर लगाम लगानी आवश्यक है। आपने देखा कि जो मंदिर डासना में है, देवी मंदिर, इस मंदिर पर पहले भी कुछ घटनाएँ हो चुकी हैं, जो मूर्ति पर प्रसाद करने वाला और सब कुछ जो था इन्हीं मंदिरों पर हुआ था। वहाँ के महंत को भी सुरक्षा दी है हमारी सरकार ने। और अभी आज सुबह 4 बजे की घटना है, तो इस पर प्रशासन पूरा अलर्ट है और प्रशासनिक तौर से जो मदद हो सकेगी वो करेंगे और जो लोग दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि सांप्रदायिक दंगा फैलाना, जो कि हमारी सरकार होने नहीं देगी। इसलिए मेरी यही अपील है लोगों से कि शांति बनाए रखें और इसमें जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और सरकार पूरा काम। देखिए, सोते वक्त साधुओं पर जो है चाकुओं से हमला किया गया है, कौन लोग इस घटना के पीछे हैं और उनकी मंशा क्या थी, किस वजह से उन पर हमला किया गया, क्या कोई आपसी रंजिश है या कोई संपत्ति विवाद है या किस तरह का मामला है, ये पुलिस इसकी जांच कर रही है। और इतना आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भी इस घटना में शामिल है, चाहे वो कोई भी लोग हों, पुलिस उन तक पहुँचेगी और उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।